YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर इमर्जिंग कंपनी के सारे अपडेट्स पीरियडिकली मैं आपके साथ एक्सचेंज करने का एक प्रयास करता रहता हूँ, ताकि आपके वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी पे किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर ना लगे। यहाँ पर एक ऐसी कंपनी जिसकी चर्चा हमने कुछ समय पहले की थी, इस कंपनी के स्टॉक ने 75% के आसपास के रिटर्न्स भी बना कर दिए हैं एक वर्ष के टाइम फ्रेम में दोस्तों। जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूँ उसका नाम है ओके प्ले इंडिया लिमिटेड। 15 रुपये 70 पैसे के आसपास का मार्केट प्राइस है जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1988 की कंपनी है, यहाँ पर प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और चिल्ड्रन प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स में काम काज आते हैं। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग किए गए प्रोडक्ट्स होते हैं, 450 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। प्राइस की बात मैंने आपको बता दी, 21 रुपये 50 पैसे का हाई रहा है 52 वीक का और 8 रुपीज़ 71 पैसे का 52 वीक लो। एक वर्ष के रिटर्न यहाँ पर 75.8% के रहे हैं दोस्तों। स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करते तो 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर सदा ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखा है पिछले एक साल से, तो एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है जो ये दर्शाता है कि कंपनी के स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके एनुअल नंबर्स की, तो मार्च 2024 वाला पीरियड आप ये देख पा रहे हो जहाँ पर कंपनी ने 185 करोड़ की सेल्स को रिपोर्ट किया है। पिछले वर्ष ये 175 करोड़ की थी। 1 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पिछले साल ये नेगेटिव था, यानी कि लॉस था, और कई सालों तक कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था। लॉस से प्रॉफिट था ये कंपनी। उसी के साथ यहाँ पर मैं रेफर कर रहा हूँ इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स को, और इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स में शामिल है 3 सब्सिडियरी कंपनियां अभी, तो प्राइमरी होल्डिंग कंपनी ओके प्ले इंडिया लिमिटेड और सब्सिडियरी कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं तीनों के नाम। और अगर बात करें इनके यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर्स की, तो डेफिनेटली ये नंबर्स काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने 145 करोड़ की सेल्स को रिपोर्ट किया है और पिछले साल ये 127 करोड़ की थी। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया, और पिछले कई वर्षों में कंपनी ने यहाँ पर लॉस रिपोर्ट किया था। यहाँ पर 2020 से लेकर कंपनी ने कंटिन्यूसली 2023 तक लॉस को रिपोर्ट किया, लेकिन अब लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी, जिसकी वजह से स्टॉक में चल रहा है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट। लेकिन ये सेंटीमेंट दोस्तों कितना आगे लेके जाता है कंपनी के स्टॉक को, उसी के साथ आने वाले क्वार्टर्स में किस तरीके के नंबर्स प्रेजेंट करती है कंपनी, उसकी चर्चा तो हम आने वाले समय में जरूर करेंगे संडे निवेश यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर एक बार किसी कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू की जानकारी मैं आपके साथ एक्सचेंज करता हूँ। तो मेरा ये प्रयास हमेशा रहता है कि मैं उसकी 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन, जो भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स आते हैं, एनुअल नंबर्स आते हैं, क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, उसे भी आपके साथ एक्सचेंज कर, ताकि लूप हमेशा एक्टिव रहे। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स क्रोनोलॉजी वाइज प्राप्त भी होती रहे। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके कोई सवाल है उसे नीचे कमेंट्स में लिखें। इस वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे, मैं केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए इन वीडियोस को क्रिएट करता हूं। किसी भी निवेश का जो फैसला है दोस्तों, वो आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लेना है। क्विक और ईजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है संडे निवेश, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज्वाइन करें। वहां पर भी काम की इन्फॉर्मेशन पीरियडिकली मैं आपके साथ एक्सचेंज करता रहता हूं। तो रखते हैं वीडियो को इतना ही, करते हैं कल भी जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक हेल्थ और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।